हैं और आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी, फिर बड़े होके इसके बारे में थोड़ा दोबारा पढ़ा। जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ता गया और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता गया, मुझे लगा कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर और जितने भी राजघराने थे उनमें से बहुत सारे राजघरानों की कहानियाँ मैंने पढ़ी, समझी और देखा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है उन सबका एक ही हश्र हुआ। आज वैसे ही एक हश्र की हम बात करने जा रहे हैं, हम उस इलाके की बात करने जा रहे हैं जो आखिरी वक्त तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर उन सभी रियासतों के नाम एक कागज पर उतारे और साथ में ये लिखें कि कौन सी रियासत कब अंग्रेजों के अधीन हुई थी, तो पंजाब और उसके साथ मिली हुई सभी रियासतों का नाम सबसे आखिर में आएगा। तो आखिरी में जो कुछ एक रियासतें बची थी उनमें से एक ये रियासत थी और ये वो रियासत है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। जिंद कौर की कहानी नहीं, ये कहानी हिंदुस्तान की है, ये कहानी सभ्यता की है, ये कहानी सिविलाइजेशन की है। मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं उस जगह से आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूं क्योंकि ये वो जगह है जहां से कहा जाता है कि सभ्यता शुरू हुई। ये तक्षशिला और हड़प्पा की जगह है, ये वो जगह है जहां पे 5 दरिया बहते हैं। एक जमाने में ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर राज्य, अमीर रियासत, अमीर स्टेट मानी जाती थी, आज नहीं है, कई वजूहात हैं। ये वो जगह है जिसने अपने वक्त में सबसे ज्यादा इन्वेजन्स देखे हैं। अगर आप हिंदुस्तान को ध्यान से देखें तो जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं वो सारे के सारे इसी इलाके से हुए हैं। अलेक्जेंडर से लेकर नादिर शाह, अकबर, अहमद शाह, अब्दाली तक, किसी ने इस इलाके को नहीं छोड़ा। बल्कि नादिर शाह के बारे में तो ये कहा जाता था पंजाब में कि खादा पीता लाहेदा बाकी नादिर शाहेदा, कि जो आपने खा लिया है वो आपका हो गया, जो निवाला आपके अंदर चला गया वो आपका हो गया और जो निवाला अभी भी आपके हाथ में है वो नादिर शाह लूट कर ले जाएगा, उसको अपना मत कहिएगा। इस माहौल में एक शख्स दक्षिण से चला पंजाब तक पहुंचा और उसने सरहिंद को नेस्तो नाबूद कर दिया, जो मुगलों का गढ़ था, सरहिंद था, माधोदास बैरागी, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने नाम दिया था बाबा बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर दक्षिण से पंजाब तक आए और उन्होंने एक बार फिर सिख परचम कायम किया। कुछ वक्त के बाद बाबा बघेल सिंह धालीवाल अवध को कैप्चर करने के बाद दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने केसरी निशान फहराया। इसके साथ ही लाहौर और अमृतसर में महाराजा हरि सिंह टिल्लो, उन्होंने कब्जा किया और वहां पर भंगी मिशन का राज शुरू हो गया। ये लोग थे तो बहुत ताकतवर और राज भी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इनके राज में एक खामी थी जिसकी वजह से हम ये बात कहने से थोड़ा कतराते हैं कि ये बाकी राज अच्छा करते थे। ये भांग लेते थे जिसकी वजह से इनका नाम भंगी मिशन पड़ा और भांग के नशे में कई बार ऐसे काम कर जाते थे जो इनकी रियाया को और इनकी प्रजा को बहुत अच्छे नहीं लगते थे, जिसकी वजह से लोगों ने परेशान होकर गुजरात की तरफ रुख किया और गुजरात में जो सिखों की, पंजाब में सिखों की 12 मिसलें कायम हो गई थी जिन्होंने अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर लिया था और अलग अलग इलाकों को चला रहे थे और मुगलों का दबदबा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। पंजाब के जो गुजरात का जो इलाका था, गुजरात में सुकर चकिया मिसल थी, तो जो इस इलाके के लोग थे लाहौर अमृतसर के, इन्होंने शुकटा मिसल के लोगों से, उनके जो बानी थे उनसे दरख्वास्त की क्यों ना आप लाहौर आए और भंगियों से हमारा पीछा छुड़ाएं। वो लाहौर आए और उन्होंने आके वहां पर खालसा दरबार एस्टैब्लिश किया, सेटल किया। ये खालसा दरबार जब उन्होंने तैयार किया तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा, हम हर बार आपस में जो मिसलें हैं वो छोटी छोटी मिसलें बन चुकी हैं, दो दो तीन तीन शहर पे कब्जा करके बैठी हैं और आपस में लड़ती जा रही हैं, क्यों ना यूनिफिकेशन शुरू हो। वी आर टॉकिंग अबाउट महाराजा रणजीत सिंह, ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब। जितनी मिसलें थी उनको वो साथ लेकर आए, पंजाब को बड़ा किया, लड़ाई झगड़ा खत्म किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस समय मुगलों की फौज जो कभी नजफ खान बलोच के कमान के नीचे 20,000 की हो चुकी थी, वो घट के मुश्किल से 5-6 हजार की रह गई थी, उस जमाने में
जो महाराजा रणजीत सिंह की फौजें खास थी वो सबसे शक्तिशाली हो गई। 26,000 तो इन्फेंट्री थी, जहां मुगलों के पास सिर्फ 4,000 से 5,000 सिपाही बचे थे, महाराजा रणजीत सिंह के पास 26,000 सिपाही हो चुके थे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुगलों ने कभी भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं रखी, वो एक दल के साथ आते थे, एक इलाके पे अटैक करते थे और वहां की आर्मी को साथ में इंक्लूड करते थे, वहां के लोगों को साथ मिलाते थे और फिर उनकी मदद से अगले इलाके पे अटैक करते थे। और ऐसा मुगलों के साथ ही नहीं हुआ है।